हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं BBL के 28 मैच के मैच प्रिडिक्शन के बारे में। और 28 मैच होने वाला है सिडनी सिक्सर्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच। तो आपको बता दूं, इस BBL सीजन हमारा टारगेट है लगभग 25 लाख तक का प्रॉफिट करना, और साथ साथ हम आपका भी कराएंगे। तो आपको करना ये है, जब भी मैच हो हमारे चैनल पर लाइव होता है, आपको वहां पर बताते हैं करण सर सभी की सभी एंट्री सेशन उसमें क्या करना है, और आप भी जीत सकते हो बहुत सारा प्रॉफिट और BBL सीजन का टोटल 25 लाख तक का प्रॉफिट। और अगर आपको देखना है कि अब तक हमने कितना प्रॉफिट कमाया है इन सब सेशंस एंट्रीज और जितने भी मैचेस हुए हैं उन सब में, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको सारी पिक्चर्स देखने को मिलेंगी कि कितना प्रॉफिट हमें किस मैच में हुआ है। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और लाइव मैच पर आना बिल्कुल मत भूलना अगर आप भी प्रॉफिट अपना चाहते हो। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जिस ग्राउंड पर ये मैच खेला जाएगा उसके बारे में। तो ये मैच एक नए से ग्राउंड पर खेला जा रहा है जिस पर अब तक तो BBL का कोई भी मैच नहीं खेला गया है, और वो है नॉर्थ सिडनी ओवल जो कि सिडनी में है। और यहाँ की जो पिच है वहाँ की अगर हम बात करें तो उसको वो एक बहुत ही फास्ट पिच कह सकते हैं, और साथ साथ फास्ट के साथ साथ एक हाई स्कोरिंग पिच है। इस पिच पर मिलेगा बाउंस बॉलर्स को अच्छी खासी बॉलिंग करा के विकेट्स निकालने का, और बैटर्स को लंबे लंबे शॉट्स मारने का, क्योंकि यहाँ पर जो है शॉर्ट बाउंड्रीज है और फास्ट पिच है, तो फिर रन्स अच्छे से जबरदस्त जल्दी जल्दी बन सकते हैं और विकेट्स भी अच्छी खासी आ सकती है। तो बैट्समैन और बॉलर्स दोनों के लिए एक सिचुएशन है कि वो भी दोनों के दोनों अपनी अपनी तरफ से अच्छा यहाँ पर खेल सकते हैं। अगर खेलना चाहे तो कोशिश करेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छी पिच है, खेल सकते हैं आराम से बहुत अच्छा। तो ये थी यहाँ की पिच रिपोर्ट नॉर्थ सिडनी ओवल की। अब हम लोग आगे चलते हैं, पिच रिपोर्ट हमने देख ली, अब बात करते हैं दोनों टीम्स के लास्ट 5 मैचेस की कि इन्होंने क्या किया है अपने लास्ट 5 मैचेस में। सिडनी सिक्सर की अगर हम बात करें तो देख सकते हो एक मैच हारी है सिर्फ पिछला, बाकी पिछले चारों मैचेस जो है जीती है सिडनी सिक्सर। देख सकते हो काफी जबरदस्त फॉर्म में है सिडनी सिक्सर। सॉरी, पिछला मैच था ब्रिस्बेन हीट के साथ इनका, तो आप देख सकते हो ब्रिस्बेन ने 224 बनाए थे, वहीं सिडनी सिक्सर ने 209 बनाए थे। 209 भी काफी ज्यादा स्कोर है गाइस। और वही पिछला मैच मेलबर्न रेनेगेड्स के साथ जीती थी, और ये मेलबर्न स्टार्स के साथ था मैच, ये भी जीती थी, और ये वाला भी मैच जो है जीती थी सिडनी सिक्सर। तो आप देख सकते हो सिडनी सिक्सर तो काफी ज्यादा अच्छी फॉर्म में चल रहा है, वही ब्रिस्बेन हीट थोड़ा सा जो है अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहा है, क्योंकि सारे के सारे जो ये पांचों मैचेस हैं इसमें से दो ही मैच जीत पाया है ब्रिस्बेन हीट और बाकी तीनों मैच हार गया है सिडनी सिक्सर के साथ था, वो ये जीते हैं। सॉरी, और सिडनी थंडर के साथ हारे हैं, एडिलेड स्ट्राइकर्स के साथ जीते और मेलबर्न रेनेगेड्स के साथ हारे। तो आप देख सकते हो ब्रिस्बेन हीट के ऑलरेडी जो है सिडनी सिक्सर के साथ भी मैच पिछला भी हुआ है और इससे पहले नहीं हुआ है, थंडर के साथ हुए थे, तो ऑलरेडी एक मैच तो ये दोनों टीम सामने सामने खेल चुकी हैं और अब दोबारा सामने होने वाला है। लेकिन पिछली बार जो है आप देख सकते हो ब्रिस्बेन हीट जीत गया था, लेकिन सिडनी सिक्सर ने भी कुछ कम अच्छा नहीं खेला था। तो चलिए आगे और इन्फॉर्मेशन देखते हैं और देखते हैं कि इस बार कौन सी टीम के ज्यादा चांसेस है मैच को जीतने के। तो गाइज यहाँ पर हमारे पास आ गया है कंपैरिजन, ओवरऑल की हम बात करने वाले हैं, ऑन वेन्यू की नहीं कर सकते क्योंकि इस ग्राउंड पर दोनों टीम्स का पहले मैच हुआ नहीं है। तो ओवरऑल टीम कंपैरिजन करते हैं, मैचेस कितने खेले हैं दोनों ने, 10-10 खेले हैं। विनिंग परसेंटेज 50% है हमारे पास सिडनी सिक्सर का, देखो 50%, और वही यहाँ पर है ब्रिस्बेन हीट का 20%। लेकिन पिछली बार भी जो है ब्रिस्बेन हीट के कम थे चांसेस मैच को जीतने के, लेकिन ब्रिस्बेन हीट ने इस सीजन में ये कर रहा है जिसमें हमें लगता है ना कि इस टीम के सामने तो ब्रिस्बेन टिक नहीं पाएगा, उसी टीम को जो है हरा देती है ब्रिस्बेन हीट। आपको बता दूं एडिलेड जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है ब्रिस्बेन से, लेकिन ब्रिस्बेन ने उसको भी हरा दिया था और पिछली बार भी सिडनी सिक्सर को हरा दिया था। तो ब्रिस्बेन उन मैचेस में तो जीत जाता है जिन्हें में उन्हें के उम्मीद बहुत कम होती है, लेकिन उन मैचेस में ये हार जाता है जिसमें ये जीत सकते हैं। तो ब्रिस्बेन थोड़ा सा कुछ अलग ही कर रहा है इस सीजन में। वहीं अगर बात करें एवरेज की, सिडनी सिक्सर का है 142, मैक्सिमम 209 और लोवेस्ट है इनका 92। तो ये हो गया हमारे पास
एवरेज मैक्सिमम मिनिमम सारे के सारे स्कोर्स सिडनी सिक्सर के। वहीं ब्रिस्बेन की बात करें तो ब्रिस्बेन के देख सकते हो एवरेज स्कोर 150, कितना ज्यादा कम है। एवरेज भी आप देख सकते हो इनका 150 है सिर्फ, हाईएस्ट इनका 224 जो इनका अभी पिछले मैच में बना था, रिसेंट मैच में आपने देखा था, और लोएस्ट इन्होंने 90 बनाया है। तो देखा आपने यहाँ पर कंपैरिजन हमने किया, यहाँ पर सिडनी सिक्सर ही ज्यादा हमारी स्ट्रॉन्ग टीम है। सॉरी, अब हम चलते हैं आगे। आगे हमारे पास हेड टू हेड, हेड टू हेड की हम बात कर लेते हैं कि क्या रहा है दोनों के पिछले कुछ मैचेस के बीच। तो यहाँ पर देख सकते हो सिडनी सिक्सर ने 13 मैच जीते हैं, वही जो है ब्रिस्बेन हीट ने 3 मैचेस जीते हैं। तो आप देख सकते हो कि 10 मैच का डिफरेंस है पूरा का पूरा। बैटिंग फर्स्ट करने पर सिडनी सिक्सर ने 3 मैच जीते हैं, बैटिंग सेकंड करने पर 10 जीते हैं। वहीं अगर बात करें ब्रिस्बेन हीट की, बैटिंग फर्स्ट करने पर 2 और बैटिंग सेकंड करने पर 1 जीता है। तो आप देख सकते हो कि ब्रिस्बेन हीट कितना पीछे है सिडनी सिक्सर से, कहां इन्होंने जो है टोटल 13 मैचेस जीते हैं और वहां कहीं ब्रिस्बेन हीट ने सिर्फ 3 मैचेस जीते हैं। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों टीम्स में। सिडनी सिक्सर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू ब्रिस्बेन हीट। आगे चलते हैं, आगे है हमारे पास दोनों टीम्स की जो है फॉर्म कैसी चल रही है प्लेयर्स की, या फिर कौन से प्लेयर जो हैं ऐसे जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तो सिडनी सिक्सर के जो बैट्समैन है काफी ज्यादा अच्छी फॉर्म में है, अच्छे खासे स्कोर बना रहे हैं अपनी टीम के लिए, तभी आपने देखा ना कितने सारे मैचेस ये जीतते आए हैं। वहीं इनके स्पिनर्स जो हैं थोड़े से एवरेज है, वहीं पेसर्स जो हैं ठीक ठाक है, वो गेम को संभाल लेते हैं जहां पर हमारे स्पिनर्स जो हैं काम नहीं आ पाते। वहीं बात करें ब्रिस्बेन हीट की तो इनका मिडल ऑर्डर जो है काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वहीं इनके बॉलर्स जो हैं आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बॉलर्स इनके आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, तो ये थोड़ी सी इनके लिए प्रॉब्लम बड़ी है, क्योंकि अगर बॉलर्स ही विकेट नहीं निकाल पाएंगे तो जो हमारे इनके जो बैट्समैन है वो कहाँ तक ही स्कोर बनाते रहेंगे। सॉरी। आगे हमारे पास टॉस प्रिडिक्शन। तो जैसा कि हमने आपको बताया इस ग्राउंड पर बहुत कम मैचेस खेले गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास ये तो है कि यहाँ पर जो है बैटिंग फर्स्ट करने के जो है कम चांसेस हैं वो वहीं पर मैच जीतने के, वहीं बैटिंग सेकंड करने के पूरे पूरे चांसेस हैं मैच जीतने के 100%। तो मतलब ये कि टॉस यहाँ पर जो भी जीतेगी टीम वो चूज करेगी बैटिंग सेकंड करना। लास्ट 10 मैचेस की अगर हम बात करें, पेसर्स का यहाँ पर है 47% विकेट लिया है, वहीं स्पिनर्स ने लिया है 53%। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो है स्पिनर्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल है, बाकी पिच की तरह सिर्फ पेसर्स यहाँ पर काम नहीं आते, स्पिनर्स भी आते हैं और पेसर्स से थोड़े से ज्यादा ही आए हैं, क्योंकि देख सकते हो लास्ट के 10 मैचेस में 46 विकेट पेसर्स ने निकाली है और 52 निकाली है स्पिनर्स ने। तो अपनी टीम में स्पिनर्स भी जरूर रखने हैं आपको। तो ये हो गया हमारा टॉस प्रिडिक्शन। अब चलते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर। तो जानते हैं कौन कौन से प्लेयर हो सकते हैं इस बार टीम में। जॉश फिलिप देख रहे हो पिछले मैच में 27 बनाए हैं, ये इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस है और ये आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सा प्लेयर अगर खेल रहा है तो वो कितने स्कोर बना पाएगा जो आपकी हेल्प करेंगे सारी की सारी एंट्रीज में। तो इसको ध्यान से सुनना, जॉश फिलिप की बात करोगे तो देखो पिछले मैच में 27 बना लिए, अच्छा ठीक है, उससे पहले 2, उससे पहले 55। तो किसी किसी मैच में ऐसा हो जाता है कि ये जल्दी आउट हो जाते हैं, अदरवाइज ये स्कोर बना लेते हैं। पैटरसन की बात करें पिछले मैच में 38 बनाए, 17, 24। तो धीरे धीरे ट्राई करें अपने गेम को ज्यादा अच्छा करने का। जेम्स की बात करें 41, 39, 26, तो अच्छा ये खेल रहे हैं। मॉइसिस की बात करें 11, 2, 152, तो ये तो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। जॉर्डन 41, 15, 19, 30, तो ठीक ठाक है, टीम के लिए रन बना ही रहे हैं। डैनियल की बात करें बैटिंग में तो कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पा रहे, लेकिन बॉलिंग में जरूर दिखा पा रहे हैं, विकेट भी निकाल रहे हैं और एकदम कम कम जो है रन दे रहे हैं अपोजिट टीम को। हेडन क्रिक की बात करें पिछले मैच में 27 बनाए, उससे पहले 1, 32, 42। तो देख रहे हो कि किसी किसी मैच में हो जाते हैं आउट जल्दी, अदरवाइज स्कोर अच्छे बना रहे हैं, बॉलिंग भी काफी अच्छी करते हैं, विकेट्स भी निकाल रहे हैं। सीएन की बात करें बैटिंग तो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं चल रही, वही बॉलिंग भी जो है किसी किसी मैच में अच्छी चल रही है लेकिन किसी में नहीं, क्योंकि देख सकते हो पिछले मैच में 1 विकेट निकाली लेकिन 46 रन दे दिए, तो 46 रन काफी ज्यादा हो जाता है। वहीं स्टीव ओ कैफे की बात करें अच्छी इनकी बॉलिंग चल रही है, देख सकते हो विकेट निकाल रहे हैं, रन कम दे रहे हैं। नवीन उलक विकेट निकाली है, रन जो है थोड़े से ज्यादा दिए, 33, 36 दिए हैं। टॉड मफी
अच्छी खासी चाहिए, विकेट्स निकाल रहे हैं और रन्स भी कम कम थोड़े दे रहे हैं। तो ये हो गए हमारे सिडनी सिक्सर के प्रोबेबल प्लेइंग 11। और ये आप ध्यान रखिएगा कि कौन से प्लेयर्स कितनी अच्छी फॉर्म में है और कहाँ तक के रन्स वो बना सकते हैं और कहाँ तक के नहीं। तो ये हो गए सिडनी सिक्सर की बात। अब बात कर लेते हैं ब्रिस्बेन हीट की। तो ब्रिस्बेन हीट में जो है हमारे प्लेयर्स हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11, इनके बारे में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो सबसे पहले हमारे पास मैक्स है। मैक्स पिछले मैच में अच्छा खेले थे, 49 बना लिए थे। ओके 49 बना लिए थे। उससे पहले जो है किसी किसी मैच में अच्छा नहीं खेल पाए हैं, अदरवाइज अच्छा ही खेल रहे हैं। कॉलिन की बात करें पिछले मैच में जो है 10 ही बना पाए थे, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हो काफी अच्छा खेल रहे थे। मैट रेंशो की बैटिंग तो अच्छी नहीं चल रही है। सैम बिलिंग्स ठीक ठाक खेल रहे हैं, बैटिंग में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। रोज वाइटले ट्राई कर रहे हैं धीरे धीरे कि और ज्यादा रन बना पाए, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। सैम की बात करें ठीक ठाक रन बनाए हैं इन्होंने पिछले मैच में, 54 अच्छे बनाए हैं, लेकिन उससे पिछले मैचेस में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं किया था। जिमी पियर्सन की बैटिंग में थोड़ी जो है स्ट्रगल चल रही है क्योंकि कुछ ज्यादा स्कोर्स नहीं बना पा रहे हैं। जेम्स की बात करें बैटिंग में जो है ठीक ठाक है, किसी किसी मैच में बना लेते हैं 20 तक रन, लेकिन उससे ज्यादा जो है किसी में भी नहीं बना पाए हैं पिछले कुछ मैचेस में और बहुत कम रन बना रहे हैं। वहीं बॉलिंग की बात करें बॉलिंग में किसी किसी में तो बहुत अच्छा देख सकते हो कि 4 विकेट और 22 रन दिए, लेकिन एक मैच में 1 विकेट लिए और 54 रन दिए। तो आप देख रहे हो। नेक्स्ट है हमारे पास जैक विल्डरवुड, इनकी तो बैटिंग कुछ ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन बॉलिंग जो है ठीक ठाक चल रही है, किसी किसी मैच में काफी अच्छा खेल रहे हैं। सॉरी मिचेल स्विप्सन की बात करें तो देख सकते हो इनकी जो है विकेट्स निकाल रहे हैं नहीं, किस क्योंकि विकेट्स नहीं निकाल पाए हैं पिछले मैचेस में। देख रहे हो 4 5ों मैचेस में किसी में भी विकेट नहीं निकाल पाए हैं ये अपने पिछले। तो ये थी ब्रिस्बेन हीट की टीम। तो आप देख रहे हैं इसमें जो बॉलर्स है ना वो काफी ज्यादा जो है अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, क्योंकि कोई बॉलर तो ऐसा है जो विकेट ही नहीं निकाल पा रहा है और कोई बॉलर ऐसे हैं जो कुछ ज्यादा ही रन दे रहे हैं अपोजिट टीम के लिए। तो इनके बॉलर्स को थोड़ा सी नीड है अच्छा खेलने की, अदरवाइज ये मैच इनकी टीम हार जाएगी। तो ये हो गए हमारे ब्रिस्बेन हीट के। अब आ गई है हमारे पास ड्रीम इलेवन की टीम। तो ड्रीम इलेवन की टीम के बारे में मैं आपको बता दूं पहले ही कि हमारी टीम जो है हम बहुत सारे एनालिसिस रिसर्च करने के बाद ही जो है बनाते हैं और आपके लिए लेकर आते हैं। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही कोई भी प्लेयर को लेकर आ गए हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम में। आपके लिए पूरी रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ये ड्रीम इलेवन की टीम हम बनाते हैं। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं विकेट कीपर से। विकेट कीपर में हमारे पास हैं जॉश फिलिप, बैटर्स में है कॉलिन मुनरो, डेनियल ह्यूग्स, नेथन और जेम्स विंस। ऑलराउंडर्स में हमारे पास जैक, जेम्स बेजले, हेडन केयर और सीएन। बॉलर्स में है बेन, नवीन उलक और मैथ्यू। तो आप देख रहे हो ये है हमारी ड्रीम इलेवन की टीम, और सेम टीम आप भी बना सकते हो। तो ये हो गई हमारी ड्रीम इलेवन की टीम। अब चलते हैं टीम एनालिसिस पे, देखते हैं दोनों की दोनों टीम्स में क्या चल रहा है, कौन सी टीम कहाँ पर कमजोर पड़ रही है और कौन सी टीम कहाँ पर स्ट्रांग। ब्रिस्बेन हीट की बात करें तो जो है सबसे पहले यहाँ पर ओपनिंग की बात कर लेते हैं। तो दोनों टीम्स की जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपनिंग है, मिडल ऑर्डर भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो देख रहे हो ओपनिंग में तो दोनों के दोनों बराबर से ही स्ट्रॉन्ग है, कोई ज्यादा कमजोर नहीं है, लेकिन बैटिंग डेप्थ ब्रिस्बेन की थोड़ी सी एवरेज है, वहीं सिक्सर की काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पेसर्स जो है ब्रिस्बेन के एवरेज है, स्ट्रॉन्ग है सिडनी सिक्सर के। वहीं स्पिन बॉलर्स भी एवरेज है ब्रिस्बेन हीट के, और वीक है यहाँ पर सिडनी सिक्सर के। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है ब्रिस्बेन हीट के दोनों सॉरी ब्रिस्बेन हीट के दोनों जो बॉलर्स हैं पेसर्स और स्पिनर्स दोनों ही एवरेज है। वहीं सिडनी सिक्सर के पास एक तो स्ट्रॉन्ग है पेसर्स, वहीं दूसरे स्पिनर्स जो हैं वीक हैं। वहीं दोनों की जो बैटिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी है। तो आप देख सकते हो दोनों की दोनों टीम्स जो है उनके क्या हाल रहे हैं पिछले मैचेस में, ये भी बता दिया है। प्लेयर्स किस फॉर्म में है ये भी बता दिया है, पिच रिपोर्ट भी बता दी है, और भी इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है। तो एक लास्ट चीज ये है कि सिडनी सिक्सर जो है उसके ज्यादा चांसेस हैं इस मैच को जीतने के। वहीं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस बीबीएल में हमारा टारगेट है 25 लाख तक का प्रॉफिट खुद भी करना और आपको भी कराना।
तो लाइव पर हमारे साथ आके जुड़ जाया कीजिए जब लाइव स्टार्ट हो मैच बीबीएल के, और एंट्री सेशन सब हमारे साथ साथ कीजिए और प्रॉफिट करिए जितना हम कर रहे हैं। और अगर आपको प्रूफ देखना है कि कितना प्रॉफिट हमने किस मैच में किया है, उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और देख लो खुद कि कितना हमने प्रॉफिट कमाया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।